फाकना घाट डुमहेर में स्थापित त्रिदेव वाटिका में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पीपल का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कश्यप बतौर विशिष्ट अतिथि वहां शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने जनता को संबोधित करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि हिमाचल में पहली बार वन महोत्सव त्रिदेव के रूप में मनाया जा रहा है। एक बूथ से तीन कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक पौधा रोपित किया है जो काबिले तारीफ है, जिसके लिए वे सोलन भाजपा मंडल का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वनों के वैज्ञानिक दोहन से अनेक ऐसे औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त की जा सकती हैं जो असाध्य रोगों की दवाओं में काम आती हैं। उन्होंने ऐसे वृक्ष रोपित करने पर बल दिया जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के साथ साथ आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायक बने। उन्होंने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत द्वारा 7 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की हॉकी टीम ने हिमाचल के चंबा जिला के एक खिलाड़ी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस खिलाड़ी को प्रोत्साहन स्वरूप 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार तथा पुलिस विभाग में उप अधीक्षक का पद देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उचित संसाधन एवं सुविधाएं देकर इन प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उनको हम अब न्यू टेक्निक्स के साथ हम उनको डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले दिनों में सर्वे कराया तो हमें 136 से ऊपर जो स्नो लेपर्ड्स के पेयर्स को हमने स्पॉट किया, ट्रैप किया और कैमरा ट्रैप्स में उनको रिकॉर्ड किया। इस तरीके से हम बड़े अब हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इस बहुत ही प्रीशियस सेंचुरीज को जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। आज का वन महोत्सव त्रिदेव के रूप में मनाया गया। एक बूथ से तीन लोगों को बुलाने का जो निर्णय था, मैं मंडल सोलन का उस पर धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि पहली बार किसी ने हिमाचल प्रदेश में त्रिदेव के रूप में जो है जो आज एक पौधारोपण करने का अभियान चलाया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। मैंने उस युवा से मैंने बात की है, उसे टोक्यो में मेरी बात हुई, दो बार मेरी उससे बात हुई है और उसको हमने जयराम ठाकुर जी ने 1 करोड़ रुपये की घोषणा उसको देने की तुरंत हमने फैसला किया है। जैसे हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज किया है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को पहले 50 लाख देते, अब उसको हम 1 करोड़ रुपये देंगे और इसी तरीके से हम उसको एक डायरेक्ट DSP का Class 1 गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट भी जो है हमने उसको ऑफर की है। अब जैसे वो अगले कल आएगा वापस टोक्यो से, उसके बाद उसका अभिनंदन स्वागत चंबा में करेंगे, उसके लिए मैं खुद पर्सनली वहाँ पर जाऊँगा। तो सर मेरा एक सवाल था जी। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा त्रिदेव कार्यकर्ताओं ने आज 420 पौधे रोपित किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पौधे रोपित किए गए हैं वे फल देने वाले पौधे हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करने के बाद पौधों की रक्षा करने का कार्य भी त्रिदेव को सौंपा गया है ताकि सभी पौधे आने वाले समय में हरियाली के साथ फल दें और लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। हमने जो है भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल ने एक निर्णय लिया, कुछ दिन पूर्व हमारी एक बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि भी वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं पंचायत लेवल पे भी, तो क्यों ना जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो है बड़े तौर पे एक वन महोत्सव का आयोजन किया जाए। तो उसके लिए एक विषय यह आया कि जितने भी त्रिदेव हैं वो इकट्ठे होंगे और त्रिदेव नाम से जो है त्रिदेव वाटिका का जो है वृक्षारोपण करेंगे। उसके लिए हमने कई जगह जो है पहले ज़मीन देखी, पिछले हम 15 दिनों से लगातार इसमें प्रयासरत थे, लेकिन फाइनली जो है हमारी यहाँ पे जो ये डुमेर धार है ये फाइनलाइज हुई और इसमें जो है फिर ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो है 384, क्योंकि हमारे 128 बूथ हैं तो उसके हिसाब से 384 बूथ बनते हैं और 36 हमारे जो है ग्राम केंद्र है, तो ग्राम केंद्र प्रमुख और त्रिदेव को मिला करके ये टोटल जो है 420 का आंकड़ा बनता है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम 420 प्लांट इस पे लगाएंगे ऊपर तक, हालांकि अभी इसमें तभी 300 कुछ ही लगा पाए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा छप्पड़ आ गई है, लेकिन उनको छोड़ करके हम निचले वाले एरिया में भी जो है प्लांट लगाएंगे
और उसकी देखरेख भी हम आगे करने वाले हैं। इसको हम प्लांटेशन करके उसको छोड़ने वाले नहीं, आगे आने वाले समय में भी उसको जो है पानी भी देंगे और उसको जो है पशुओं से और जंगली जानवरों से भी बचाएंगे। और इसमें ज़्यादातर जो है फलदार जो है पौधे लगाए गए हैं और ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो इस एरिया में जो है ये जो हम जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रीढ़ की धार को जो है उसको ढकने का कार्यक्रम हम करेंगे ऐसा।